हाय व्यूअर्स, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं ये डबल कलर का डिजाइन लेके आई हूँ और ये दो दो सिलाइयों का हमारा डिजाइन है। और इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें चार के मल्टीपल और प्लस चार फंदे हमें अपनी डिजाइन को इक्वल करने के लिए लेने होंगे, जो किनारों पर होंगे एडजस्टेड। तो और यहाँ पर मैंने 9 नंबर की यहाँ नीडल्स ली है, ये देखिए यहाँ पे। और ये जो मजंटा कलर की ऊन है, ये मेरी बेबी वूल है। और ये दूसरी मेरी ये वाली ऊन है, जो ये वर्धमान की वूल है, ये जो बड़ों की आम वूल होती है, ये वाली वूल है ये। और यहाँ पे मैंने बॉर्डर में फंदे लिए हैं, यहाँ से लेकर ऊपर तक एक जैसे ही फंदे लिए हैं। और ये मैं छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ, जैसे न्यू बॉर्न बेबी के लिए 6 महीने तक के बच्चे का। तो यहाँ पे फंदे मैंने लिए हैं 63, यानी कि 63 फंदे लिए हैं मैंने। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस डिजाइन को बनाने के लिए मैं आप लोगों को इसमें कम फंदों पे बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयाँ बॉर्डर की बना ली हैं और सिंपल मैंने सिंगल वूल से मैंने फंदे कास्ट ऑन किए हैं और 27 फंदे मैंने लिए हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे हमने ये दो फंदे हमारे डिजाइन की बुनाई को इक्वल करने के लिए यहाँ से, और यहाँ से देखिए ये 4 के मल्टीपल, ऐसे 4 4, फिर से 4 4 फंदे 4 फंदे। तो ऐसे हमने ये वाले फंदे लेने हैं, ठीक। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और 10 नंबर की सिलाई से इसमें मैंने पतली वूल ली है आप लोगों को डिजाइन बताने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 2 फंदे बुनेंगे, ठीक। अगर आपने बॉर्डर आप कोई सा भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे उल्टे उल्टे की 4 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो अगर आपने कुछ और बॉर्डर बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या करना है, ये फंदे मेरे उल्टे हो गए हैं। तो ये जो हमारे 2 फंदे हैं ना, इनको ये देखिए ऐसे करके ये 2 फंदे हमने फ्रंट लूप से ऐसे डालने हैं, दूसरा फंदा दूसरे नंबर का फंदा हमने आगे लेके आना है, ऐसे करके आगे ले आए, ये देखिए इसको सीधा कर लिया ऐसे करके, ये देखिए। फिर इन 2 फंदों के साथ हमने ये तीसरा फंदा भी हमने लेना है, देखिए। फिर हमें इसे बनाया ऐसे करके, ज़्यादा ढीला नहीं बनाना, ठीक नॉर्मल था ही रखना है। फिर हमने थ्रेड को अपनी तरफ करके फिर हमने बैक लूप से ही बनाना है 2 बार फंदे हमने, और एक बार हमारा फंदा सिलाई के ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 2 फंदे बनाए हमने, फिर 3 फंदों के 3 किए, बीच के फंदे को हमने सबसे आगे लेके आए, फंदा सीधा किया। फिर इन फंदों को हमने 2 बार बुना, एक जाली से 2 बार हमने ऐसे बुना। फिर हमने एक फंदा बुनना है, ठीक। तो ये हमारे फंदे थोड़े उल्टे हो गए, ये देखिए। यहाँ पे हमने फ्रंट लूप से ऐसे इसको डाल लेना है, फिर इसको निकालना है। फिर हमने इस सिलाई को ऐसे डाल के इसके साथ हमने तीसरा फंदा भी लेना है ऐसे, ठीक। ये देखिए तीसरा फंदा लिया, फिर थ्रेड को अपनी तरफ किया, दोबारा फिर हमने इसे बनाना है, ये देखिए 3 फंदों के 3 ही बनाने हैं, और इनके बीच में हमने एक फंदा लेना है। ये देखिए यहाँ से 4 फंदे 4 फंदे हो जाते हैं ये, इसको हमने ऐसे लेना है। फिर सिलाई को घुमा के, तो जब हम फ्रंट लूप से 2 फंदे लेंगे तो ये अपने आप ही हमारा ये देखिए फंदा सीधा हो जाता है। फिर इसके साथ हमने तीसरा फंदा लेना है, एक बार बनाया, फिर थ्रेड को हमने अपनी तरफ कर लिया, दूसरी बार बनाया, बैक लूप से ही बनाना है।
तो यही हमने चार फंदे पूरी सिलाई में रिपीट करने हैं। जितने भी हमारी सिलाई पे फंदे होंगे तो ऐसे ही हमने रिपीट करने हैं। तो मैं इसको इतना कर लेती हूँ, या फिर मैं एक बार और बता देती हूँ। देखिए देखिए, ऐसे ऐसे किया, इसको निकाल लिया, फिर सिलाई को इसी में डाल के इन दोनों फंदों को, और फिर ऐसे ध्यान रहे कि हमारी सिलाई के अंदर पूरे फंदे आ रहे हैं या नहीं, ऐसे करके। फिर उसके बाद हमने तीसरा फंदा भी ले लेना है। एक बार बनाया, दूसरी बार बनाया, तो तीन फंदों के हमारे तीन फंदे हो गए हैं। फिर एक फंदा ये मैंने फंदे उल्टे हो रखे हैं, इसलिए मैं इनको खोल के इधर को ले आती हूँ। ये देखिए ऐसे। फिर तीसरा फंदा लिया और इस डिजाइन को आप सिंगल में भी बना सकते हैं और डबल कलर में, तीन कलर, चार कलर, जितने भी आपके पास कलर होंगे आप उससे सारी कलर का आप यूज, थोड़ी थोड़ी ऊनों का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आगे आगे बताऊंगी, जुड़े रहें आप मेरी वीडियो के साथ। और ये डिजाइन आप बच्चों के स्वेटर में और बड़ों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डाल सकते हैं, बच्चों की कैप, बच्चों के मोजों में। ये देखिए तीन के तीन फंदे बना लिए। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे सेकंड कलर अटैच करूँगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये अपना सेकंड कलर अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे हमने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाना है, और ध्यान रहे कि जहाँ पे हमने तीन फंदों के तीन बनाए हैं उन्हें हमें एक एक करके बनाना है, कहीं एक साथ दो फंदे ना बुने जाएं। तो ये देखिए ऐसे करके हमने उल्टी साइड से हमने अपना कलर लगाना है। तो ऐसे ही हमने उल्टी साइड की सिलाइयाँ सारी हमारी रॉन्ग होंगी, और ये ध्यान रहे कि जहाँ पे हमने तीन फंदों के तीन बनाए हैं, क्योंकि वो जुड़े होते हैं, कहीं धोखे से हमसे दो फंदे एक साथ ना बुने जाएं। ये देखिए ठीक। अब इसकी ये दो दो सिलाइयों का डिजाइन है हमारा, ये देखिए ठीक। अब ये यहाँ देखिए हमने क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे हमने दो बनाए थे और तीन फंदों के तीन किए थे, अब की बार हमने क्या करना है, यहाँ पे चार फंदे बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये चार फंदे बनाएंगे पहले हम, तो यहाँ देखिए जो हमने ये तीन फंदे बनाए थे, तीन और एक हमने सादा बनाया था, और तीन फंदे हमारे ये तीन के तीन। अब हमें ये वाला डिजाइन जो है इसके ऊपर, जो हमारा एक फंदा है ना इसके ऊपर बनेगा। तो अब देखिए हमने क्या करना है, इस वाले फंदे को हमने जैसे हमने फर्स्ट सिलाई में बताया था ऐसे कर लेना है और घुमा के ऐसे, ये देखिए। फिर तीसरा फंदा लेना है, इस वाले फंदे में से भी हमने लेना है और बैक लूप से ही बनाना है हमें इसे। ये थ्रेड को अपनी तरफ किया, जाली बनाते हुए फिर हम बैक लूप से फिर बुनेंगे। तब ये देखिए यहाँ पे जो तीन फंदे थे हमारे यहाँ पे, तो उसके बीच का फंदा हमने सादा ऐसे ही सिंपल बना लेना है। इस बुनाई का गैप है एक फंदा ये। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये देखिए थोड़ा आप इसको लूज कर लेते करके, फिर फ्रंट लूप से आप ऐसे डालें, इसको ऐसे डाल लिया, फिर इस सिलाई को हमने ऐसे घुमा लिया, तो ये फंदा हमारा ऐसे सीधा हो जाता है।
फिर ये तीसरा फंदा लेंगे इसके साथ। फिर थ्रेड को हमने अपनी तरफ कर लिया, डिजाइन हमने सीधी तरफ से बनाना है और उल्टी साइड से हमने कलर को चेंज कर लेना है। तो ये देख रही हमारा ये सेकंड कलर का ये दूसरी सिलाई है। तो अब देखिए यहाँ पे ये तीन फंदे नज़र आ रहे हैं ना, एक तो हमने इसमें बुन लिया और ये मिडल का जो बीच का फंदा इसको हमने सिंपल ऐसे ही बुन लेना है, इन तीन फंदों के गैप का ये। तो ऐसे ये चार चार के फंदों के मल्टीपल हमारा ये डिजाइन है ये। तब देखिए फिर हमने यहाँ पे, तो ये मैं उन लोगों के लिए डिजाइन, जैसे हमारे बिगनर बहनें हैं जिन्होंने अभी नई नई बुनाई बुनने सीखी है, तो उन लोगों के लिए जो मैं छोटे छोटे डिजाइन डबल कलर के लेके आती, इसको आप अनगिनत कलर, अगर आपके पास छोटी मोटी थोड़ी थोड़ी थ्रेड बची पड़ी है तो आप उससे भी अपने बच्चे का बहुत अच्छा सा स्वेटर बना सकते हैं और हमारी ऊन भी यूज हो जाएगी और हमारा स्वेटर का स्वेटर भी बन जाएगा। ये देखिए ठीक, तो ये बच्चों के मोजों में भी डाल सकते हैं, पूरा सेट बना सकते हैं और कैप वगैरह में डाल लें, अपने कार्डिगन बनाएं, हाफ स्वेटर बनाएं और ये सिंगल कलर में भी आप इसे बना सकते हैं। और ऊन के हिसाब से आप अपनी सिलाइयां लगाएं। पर जहाँ पे हमारा एक फंदा है, अब की बार हम उसके ऊपर ये डिजाइन बना रहे हैं और जो हमारे तीन तीन फंदों का डिजाइन था उनमें से एक फंदा इधर ले लिया, एक इसमें से ले लिया, तो यहाँ भी फिर हमारे तीन फंदे हो गए और जो तीन में से एक जो बीच का मिडल का फंदा उसको हमने सिंपल सीधा बुन लेना है। ये देखिए ठीक, तो ये देखिए यहाँ भी हमने शुरुआत में चार फंदे बनाए थे और लास्ट में भी हमारे चार फंदे सिंपल बनेंगे। तो यहाँ पे मैं अब वाइट नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे मैं आप लोगों को दूसरा कलर अटैच कर लेती हूँ और उल्टी सिलाई निकाल देनी है हमने, तो मैं उल्टी सिलाई यहाँ पे दूसरा कलर अटैच करके ये वाली सिलाई उल्टी बुन लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट, जैसे ये हमारा फर्स्ट कलर था वाइट कलर, इसमें दिखाया, फिर मैंने जब चेंज किया तो मैंने यहाँ पर ये बैंगनी कलर लगा के दिखाया, फिर उसके बाद मैंने उल्टी तरफ से मैंने ये रानी कलर मजेंटा कलर जोड़ के और वही डिजाइन फिर मैंने जहाँ पे हमारा ये वाला मिडल का फंदा था उसके ऊपर हमने एक इधर से एक इधर से लेके हमने इस डिजाइन को बना लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये वाइट वाला उल्टी साइड से हमने पूरी सिलाई उल्टी निकाल देनी है। ये देखिए, और जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को उल्टी सिलाई निकाल के दिखाई थी, ये देखिए, ये ध्यान रखना है हमें कि जो हमने तीन फंदों के तीन फंदे बनाए हैं उन्हें हमें अच्छे से एक एक करके बुनना है, कहीं हमारा फंदा एक साथ दो ना बुने जाए, जिससे कि फिर हम फंदे को ढूंढते रहें और हमारा डिजाइन भी खराब हो जाएगा, फिर हमें इधर उधर से उठाना पड़ेगा। तो ये ऐसे ही हमने उल्टी साइड से कलर चेंज करते जाइए और जो हमारा बेस कलर होगा, अगर आपने कलर चेंज करते समय वाइट कलर के ऊपर ही डालना है, जैसे मैंने तो दो कलर डाल लिया ना, जैसे ये बैंगनी कलर और रानी कलर, फिर उसके बाद में बेस कलर के साथ फिर डिजाइन बना रही हूँ, अगर आपने हर कलर के ऊपर वाइट डाल के डालना है तो आप डाल सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है ये, अगर अच्छा लगे आपको, आप लोगों को। देखिए ठीक, फिर हमने डिजाइन बनाना, जैसे हमने ये वाली रो बनाई थी, ये देखिए यहाँ पे ये तीन फंदे हैं, तीन के तीन फंदे बनाए थे, पहले हमने दो फंदे बुने और इन पे डिजाइन बनाया था, ये देखिए यहाँ पे। तो अब की बार हमने चार फंदे बुनने हैं और जो हमारा ये वाला फंदा है इसके ऊपर ये डिजाइन यहाँ आ जाएगा और जो हमारे ये तीन फंदे उसमें से एक ये, एक ये, और ये चार फंदे हमने
सिंपल बुन लेने हैं। डिजाइन हमारा दो दो सिलाइयों का ही और सीधी तरफ से ही हमने डिजाइन बनाना है और उल्टी साइड से हमने पूरी सिलाइयाँ उल्टी ही बुन देनी है। ये देखिए, अब ध्यान दें, ये बीच का जो हमारा एक बिन बुना मतलब कि सिंपल बुना हुआ था ना फंदा, हमने तीन फंदों के बाद, तो अब हमें एक इधर से बुनाई वाले से एक इधर से, जो तीन फंदे हमारे उनमें से एक फंदा लेना एक इधर से और इसको ऐसे डाल लेना। मैं आप लोगों की एक बार फिर से अच्छे से बता देती हूँ और यही हमने दो दो सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है और हमारा डिजाइन बनता चला जाएगा। तो ये देखिए, ऐसे एक फंदा हमने अगला फंदा लेना है, तो ये तीन फंदे हो जाएंगे। ये देखिए, ऐसे बनाया हमने, ज़्यादा खींचना नहीं है, ये थ्रेड को हमने अपनी तरफ कर लिया। फिर यहीं से बैक लूप से एक बार फिर बना लेना है। देखिए, जो ये तीन फंदे थे उसका बीच का फंदा हमें सिंपल बुन लेना है। अब यहाँ पे डिजाइन आ जाएगा और इसको हमने फ्रंट लूप से ऐसे डाल के इसको फिर हमने सिलाई को घुमा के ऐसे डाल लेना है। ठीक, फिर ये तीसरा फंदा भी हमने लेना है, ऐसे बनाया। जब आप बुनते जाएंगे ना तो आपका हाथ बैठ जाएगा, इतना टफ नहीं है, नहीं आता है तो टफ है, अगर आ गया तो बहुत ही इजी है, आसान है इसे बनाना। और एक दो बार आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत लगेगी कि ये फंदा हमने पलटना है ना, थोड़ा वो लगेगा कि कठिन है, जब हाथ बैठ जाएगा ना हमारा बुनाई पे तो बहुत जल्दी से बना लेंगे आप इसे। देखिए, ये बीच का फंदा, जहाँ तीन ये थे ना बीच के फंदे को हमने सिंपल ऐसे बुना लेना है। फिर जो हमारा एक फंदा था उनके दोनों साइडों से एक एक फंदा लेना है और बीच के फंदे को हमने ना पहले सेकंड फंदे को पहले पहले फंदे के आगे लेके आना है। ये देखिए, ऐसे ऐसे करके फिर तीसरा फंदा ले लिया। थ्रेड अपनी तरफ करके जाली बनाते हुए फिर एक बार बुनेंगे। तो देखो, फिर एक फंदा सिंपल बुनेंगे और इस वाले फंदे को फिर हमने ऐसे लेना है और पलट देना है, तो ये सामने आ जाएगा, पहले फंदे के आगे आ जाएगा। फिर यहाँ से हमने तीसरा फंदा लेना है, देखिए शुरू में भी हमने चार फंदे बुने और लास्ट के भी चार फंदे। तो इसके ऊपर मैं कुछ दूसरा कलर बुन के दिखा देती हूँ आप लोगों को, फिर भी कलर भी कैसे कैसे लगते हैं ये देखिए। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं दूसरा कलर उल्टी सिलाई बुन के ले आती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने अपना कलर अटैच करके यहाँ पे उल्टी सिलाई बुन के मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अब हम इसका डिजाइन बनाते हैं कि कैसे बनाना। डिजाइन हमने ऐसे ही बनाना, बस कलर और जगह चेंज होती जाएगी, कलर चेंज करते जाएं और दो दो कलर के बाद अपना बेस कलर लगाते जाएं, फिर उसके बाद जो कलर आपने लगाना आप वो कलर लगा लें। तो एक बार मैं आप लोगों को फिर बुन के बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। ये देखिए, अब की बार हम यहाँ पर दो फंदे बुनेंगे। देखिए, आप देख रहे होंगे साफ नज़र आ रहा है, जो तीन फंदे हैं, तो ये वाला जो तीसरा फंदा मिडल का फंदा है इसको हमने ऐसे ऐसे किया। अब फ्रंट लूप की ऐसे पहले आगे लेके आना है, फिर तीसरे फंदे को भी हमने इसके साथ ले लेना है, फिर थ्रेड को अपनी तरफ करके दूसरी बार बनाना है जाली बनाते हुए, जैसे हम जाली बनाते हैं। ठीक, अब ये देखिए, यहाँ पे हमारा तीन फंदे थे, एक फंदा हमने इसमें ले लिया और ये मिडल के फंदे को हमने सिंपल ऐसे सीधा बुन देना है। तो यहाँ देखिए, ये डिजाइन अब हमारा यहाँ पे बन रहा है।
तो इसको हमने फ्रंट लूप से डालना है ऐसे सिलाई को, और इसको ऐसे सीधा कर लेना है। तो ये हमारा फंदा ना सीधा हो जाता है, ये देखिए ऐसे निकाल के दिखा रहे हैं ऐसे करके, ऐसे करके ठीक। फिर तीसरा फंदा ले लें आप इसके साथ, एक बार अपनी तरफ ऊन को करके दोबारा बुनना है बैक लूप से। देखो तीसरा फंदा भी लेना है, तो तीनों फंदे आ जाने चाहिए हमारे, कुछ छूट ना जाए तो हमारा डिजाइन ख़राब हो जाएगा। तीसरा फंदा भी ले लेंगे साथ में, एक बार बनाया अपने थ्रेड को अपनी तरफ किया, फिर बनाया मिडल के फंदे को हमने सिंपल बनाना है, फिर अगेन सीधा किया इसको ऐसे, फिर इस पे लिया सिलाई पे, और इसके साथ हमने तीसरा फंदा भी ले लेना है। इस बुनाई को थोड़ा अपना ढीले हाथ से बनाएं, अगर आपका हाथ बहुत टाइट है तो आप जैसे पतली ऊन है जैसे बेबी वूल है तो उसको आप 9 नंबर से बनाएं। लास्ट के 2 फंदे हमारे सीधे, तो ऐसे ही आपने फंदे लेने हैं। तो ये देखिए, इसके बाद अगर आपने कोई और कलर लगाना है तो आप उल्टी साइड से सारे फंदों को उल्टा बुनना है, फिर इधर से सीधी तरफ से हमने डिजाइन डाल देना है, और उसके बाद अगर आपने बेस कलर के ऊपर ये डालना है तो आप डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है आपको कैसे बनाना है। तो आगे आगे हमने यही 2 सिलाइयाँ रिपीट करते जाना, हमारा डिजाइन बनता चले जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, डबल कलर की कह लीजिए, मल्टी कलर कह लीजिए, और इसे हम सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो हमारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में फैमिली मेम्बरों में भी शेयर करें, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, लाइक तो हमारा बनता है, लाइक आप ज़रूर करें। वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर करें। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।